हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर घमासान मचा देने वाली जोड़ी संदीप और सुलेखा आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं और इन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर ही अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। 6 मिलियन के विशाल लक्ष्य को इस जोड़ी ने अपने क्यूटनेस और देसी अंदाज से पूरा किया है। सुलेखा के जीवन की क्या है असली सच्चाई और कैसे इनके हस्बैंड इनके बड़े भाई हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुलेखा का जन्म उत्तर प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के पास एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। सुलेखा की फैमिली में इनके मम्मी पापा के अलावा सुलेखा 6 बहन और 2 भाई हैं। इनकी 5 बहनों की शादी हो चुकी है और 1 बहन और 2 भाई अभी अनमैरिड हैं। गरीब फैमिली से बिलोंग करने की वजह से सुलेखा ने सिर्फ इंटर तक की ही पढ़ाई की। संदीप सुलेखा के बुआ के लड़के थे। संदीप के बड़े भाई की शादी सुलेखा की बड़ी बहन से हुई थी, इस वजह से संदीप सुलेखा के बड़े भाई और जीजा भी लगते हैं। संदीप बचपन से ही अपने मामा के घर यानी कि सुलेखा के घर आते जाते रहते थे और इन दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। इधर साल 2003 में कैंसर की वजह से संदीप के पिता की मौत हो जाने की वजह से इनके घर की सारी जिम्मेदारी संदीप के बड़े भाई पर आ गई थी। संदीप के भाई ने अपनी साली यानी सुलेखा से संदीप की शादी की बात जब अपने घर वालों से की तो मानो संदीप और सुलेखा की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और साल 2015 में इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इनकी शादी को आज 7 साल हो चुके हैं और ये दोनों 2 बच्चों के माँ बाप भी बन चुके हैं। इनके बड़े बेटे का नाम यश और छोटे बेटे का नाम दरस है। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। संदीप और सुलेखा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, इसी प्रे के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।